अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हरी धनिया की चटनी और उसको किस तरीके से रखने का है उसका तरीका बताएंगे। देखो, हरी धनिया ली हुई है एक मुट्ठी से ज़्यादा, उसी हिसाब से कड़ी पत्ता थोड़ा सा और 5 से 6 हरी मिर्च ली हुई है, 1 टीस्पून नमक लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून शक्कर ली हुई है, 3 टेबल स्पून विनीगर लिया हुआ है, आधे का आधा नारियल लिया हुआ है हमने। अभी इसे मिक्सर के जार में सब चीज़ों को हम डालेंगे। और ये जो रखने का तरीका है ना, बहुत अच्छा है। कोई भी चटनी जो मैंने अभी तरीका बताऊंगी वो तरीके से आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छे से रहती है। और इसमें है ना, हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि पीसने के लिए थोड़ा पानी तो लगेगा ना हम लोग को, तो 1 प्याली ऐसा इतना हम पानी डालेंगे। हिसाब से अपने डाले आप पानी। देखो, मैंने 1 प्याली ऐसा लिया है और इसे अच्छे से बारीक एकदम हम पीसेंगे। देखो, ये पीस के रेडी हो गई है। अभी हम आइस ट्रे लेंगे और उसमें बताती हूँ कैसे हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे और उसके क्यूब तैयार हो जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे, क्या है ना, ऐसे बना के रखने से ना चटनी का कलर भी पूरा अच्छे से रहता है और चटनी ख़राब भी नहीं होती है। और इसमें कोई कोई लीमू भी लेता है, लेकिन लीमू लेने से ना चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है थोड़े ही दिनों में, तो विनीगर लेने से ख़राब नहीं होती है। देखो, इसे अभी ये रेडी हो गई है, इसे अभी हम निकालेंगे। है ना, देखो कितने अच्छे लग रहे ना, माशाल्लाह। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक डब्बे में भर के रखेंगे और जब हमको सर्व करना रहेगा तो हमको जितना लगेगा उतना निकाल के हम सर्व करेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं कि एक डब्बे के अंदर भर के रखते हैं, फिर उसको बाहर रखते हो पिघ लेंगी, फिर उसके बाद हम लेते फिर वो वापस से जम जाती है, तो उसका कलर और टेस्ट जो है ना एकदम चेंज हो जाता है। तो ये तरीके से रखने से बहुत अच्छी रहती है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो, अभी हम और भी इसी तरीके से कर कर के हम रखेंगे। दो तीन घंटे के अंदर ये तैयार हो जाता है इस तरीके से। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन क्या है ना, बहुत अच्छे इससे रहती है ये। देखो, दूसरी भी हमने इसी तरीके से निकाले, वही चटनी है। और ये पहले जो हमने निकाले हुए थे, देखे कैसे चिपके भी नहीं, कुछ नहीं, पूरी अलग अलग रहती है। और जितना चाहिए उतना आप उतनी क्यूब निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है और रमज़ान में तो बहुत आसानी होती है इससे। जितना चाहिए उतना ही लो और रख दो, है ना। देखो, ये कंटेनर भर गया, अभी इसे हम सर्व करेंगे। देखो कितने अच्छे क्यूब लग रहे हैं ना, आप लोग भी ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे मम्मा की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।